IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं IVTV और मैं हूँ श्रद्धा। दिल्ली में दुष्कर्म के मामले में बिहार LJP पारस गुट के सांसद अध्यक्ष प्रिंस राज की जमानत पर सुनवाई होने आज जा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के पारस गुट के बिहार प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद प्रिंस राज पर दिल्ली में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए प्रिंस राज ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। इस पर दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में थोड़ी ही देर में सुनवाई होने जा रही है। बता दें कि बलात्कार मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। यहां लोक जनशक्ति पार्टी के समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट आज सुनवाई करेगी। स्पेशल जज MK नागपाल मामले की सुनवाई करेंगे। बता दें कि समस्तीपुर से सांसद और LJP के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज के खिलाफ बलात्कार मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है। उनके खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में पार्टी के ही एक पूर्व कार्यकर्ता ने नशे कराकर दुष्कर्म करने का उन पर आरोप लगाया है। FIR में पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनका अश्लील वीडियो भी बनाया गया है और बाद में वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दी गई थी। साथ ही उसे इस मामले की शिकायत ना करने के लिए धमकाया गया था और उस पर दबाव भी बनाया गया था। प्रिंस राज पर लगे बलात्कार मामले में कल चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने बुधवार को मीडिया से बात किया और कहा कि दोषी को सज़ा मिलनी ही चाहिए। मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने कहा था कि यह मामला जो है वह आपराधिक है और इसकी जांच पुलिस को करनी ही चाहिए। आपको बता दें कि आरोपी सांसद प्रिंस राज का अब तक कोई पक्ष सामने नहीं आया है। आपको याद दिला दें, यह मामला तब प्रकाश में आया था जब आज से 4 माह पहले लोजपा में टूट के बाद चिराग ने एक लेटर जारी किया था। उस लेटर में प्रिंस राज के करतूत की जानकारी चिराग पासवान ने दी थी। इस दौरान चिराग ने प्रीता का नाम भी उजागर कर दिया था। चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि किस तरह से उन्होंने इस मामले में अपने चचेरे भाई प्रिंस राज की मदद की थी। आगे उन्होंने पत्र में यह भी बताने की कोशिश की कि वह हमेशा से अपने परिवार के साथ रहे, लेकिन इसके बावजूद भी चचेरे भाई प्रिंस राज और चाचा पशुपति पारस ने उन्हें धोखा दिया। देखने वाली बात होगी कि कोर्ट के फैसले के बाद आज सांसद प्रिंस राज जाएंगे जेल या फिर उन्हें मिलेगी बेल। आप देख रहे हैं IVTV। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए IVTV।